ओके, फ्रिक्शन क्या होता है भाई? फ्रिक्शन इज ए फोर्स. सबसे पहली बात तो ये है, यानी फ्रिक्शन को हम न्यूटन में मेजर करेंगे क्योंकि ये फोर्स है. अब फ्रिक्शन किस तरफ लगता है, इसके बारे में काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं. फ्रिक्शन अपोजिस रिलेटिव मोशन. हम ऐसे नहीं कह सकते कि फ्रिक्शन अपोजिस मोशन, कि फ्रिक्शन हर तरह के मोशन को रोकता ही है. ऐसा बोलना तो हो जाएगा गलत, क्योंकि फ्रिक्शन की वजह से कई बार मोशन होता भी है, लेकिन रिलेटिव मोशन को अपोज करता है. तो इसका अर्थ क्या है वो समझो. जैसे मान लीजिए ये कोई आदमी है और ये आदमी दीवार के पास खड़ा है, और ये इस दीवार को ऐसे धक्का मारेगा तो इसको पीछे जाने में आसानी होगी. यानी इसको इस तरफ आदमी को इस तरफ पीछे का एक पुश मिल जाएगा अगर ये खुद दीवार को धक्का मारेगा तो. तो इसने एक्शन किया, बदले में इसको रिएक्शन मिला, तो ये आदमी इस तरफ मूव हो गया. ये इसके बाल है. अब इस बात पर वैसे कई बार नहीं एग्री करते हैं स्टूडेंट्स. तो ये कुछ कुछ ऐसे मान लो, जैसे मान लीजिए ये तो आप हैं और आपको किसी ने पकड़ रखा है, ठीक है, और ये आपके पैर हैं दीवार के साथ, और पीछे से कोई आया और उसने आपको ऐसे पकड़ रखा है, और ये दीवार है और ये ज़मीन है. अब आप अपने पैरों से ज़ोर से दीवार को अगर धक्का मारेंगे तो ये आदमी पीछे गिर जाएगा. तो वही चीज़ मैं यहाँ बताई है कि आप सामने फोर्स देंगे तो बदले में आपको रिएक्शन मिलेगा दीवार से और आप पीछे चले जाएंगे. तो अब फ्रिक्शन भी कुछ कुछ ऐसे ही काम करता है. जैसे मान लीजिए कोई गाड़ी का टायर है और ये ज़मीन है. ये टायर जब इस तरफ घूमेगा तो ये ज़मीन को पीछे धक्का मारेगा, और ज़मीन बदले में इस टायर को आगे की तरफ रिएक्शन देगी. तो जैसे मान लीजिए ये हो गया है एक्शन, क्योंकि टायर ने ज़मीन को पीछे धक्का दिया, तो ये उसके बदले में उसको मिलेगा रिएक्शन. और यही एक्शन और रिएक्शन, ये दोनों के दोनों यहाँ फ्रिक्शन फोर्स कहलाएंगे. ये घर्षण का बल है. हर वो फोर्स जो सरफेस के टेंजेंट हो वो फ्रिक्शन फोर्स होगा. तो यहाँ पर ये सरफेस था, गाड़ी का फोर्स ऐसे गया तो टेंजेंट गया, और बदले में रिएक्शन इस डायरेक्शन में मिला, तो ये फ्रिक्शनल फोर्स माना जाएगा. अब फ्रिक्शनल फोर्स कितना होगा, कम होगा या ज़्यादा होगा, उसको समझ लेते हैं. जैसे मान लीजिए ये कोई ढलान है, इस तरह से कोई ऑब्जेक्ट है, और यहाँ ये है ग्राउंड, और यहाँ पर एक रखा है डब्बा, और ये डब्बा फिसल के नीचे आ रहा है. तो ये जो ढलान होती है इसको हम बोलते हैं ये स्लोप है. सो दिस इज स्लोप. इस स्लोप का ज़मीन के साथ कुछ एंगल है थीटा. तो ये डब्बा नीचे फिसलेगा तो इसके खिलाफ फ्रिक्शन लगेगा, और फ्रिक्शन इसको रोकेगा. नीचे ये फिसलने की कोशिश कर रहा है तो फ्रिक्शन इसके खिलाफ कितना लग सकता है हम वो देख रहे हैं. तो द फ्रिक्शन विल बी, फ्रिक्शनल फोर्स विल बी एम जी कॉस थीटा म्यू. ये चार चीज़ें हैं जो फ्रिक्शन को डिसाइड करती हैं. सबसे पहले तो एम, इसका मतलब जो चीज़ ज़्यादा भारी होती है उसके ऊपर फ्रिक्शन उतना ही ज़्यादा होता है. अगर किसी चीज़ का वज़न कम होगा तो उसके ऊपर लगने वाला फ्रिक्शन भी कम होगा. सिंपल सा एग्जांपल है कि ज़मीन के ऊपर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, खाली पतीला है, उसको सरकाना है तो सरकाना आसान होगा, और उसके अंदर मान लीजिए पानी भरा हुआ है तो उसको सरकाने में थोड़ा सा ज़्यादा फोर्स चाहिए होगा क्योंकि उसको ज़्यादा फ्रिक्शन मिल गया. दूसरा है ये ग्रेविटी. ग्रेविटी बढ़ेगी तो फ्रिक्शन बढ़ेगा, ग्रेविटी जहाँ कम होगी वहाँ पर फ्रिक्शन भी कम होगा. इसका मतलब मेरे पास अगर कोई सोफ़ा है तो उस सोफ़े को मुझे सरकाना मुश्किल होगा क्योंकि वो अच्छा खासा भारी है, लेकिन अगर वो चांद के ऊपर होता तो उसको सरकाना ज़्यादा आसान होता क्योंकि वहाँ पर ग्रेविटी कम होती. तो जहाँ ग्रेविटी होगी कम वहाँ फ्रिक्शन का फोर्स भी होगा कम. अगला है ये कॉस थीटा, जहाँ पर थीटा का अर्थ है ये एंगल ऑफ स्लोप, ये ढलान का जो कोण है ये. तो थीटा जैसे जैसे ज़्यादा होगा, जैसे जैसे थीटा 0 डिग्री से 90 डिग्री की तरफ अग्रसर करेगा, वैसे वैसे ये कोस थीटा पूरा का पूरा कम होगा. इसकी वैल्यू 1 से घट घट कर 0 बनने की कोशिश करेगी. इसका मतलब ये स्लोप जितना ज़्यादा
इसको इसके फिसलने के खिलाफ लगने वाला घर्षण उतना ही कम। तो अब मैं ये स्लोप मान लीजिए ऐसे बना देता हूँ, स्लोप अगर ये ऐसे होता और अब ये लाइन मान लीजिए यहाँ पे ऐसे होती और ये है हमारा डब्बा, अब ये नीचे फिसलने वाला है तो इसके खिलाफ फ्रिक्शन इसको फिर रोकने की कोशिश करेगा, पर चूंकि अब ये एंगल ज़्यादा हो चुका है अब फ्रिक्शन इसको फिसलने से बचा नहीं पाएगा क्योंकि एंगल है बहुत ज़्यादा और ऐसे में फ्रिक्शन हो गया है बहुत कम, तो कॉस थीटा के ऊपर फ्रिक्शन डिपेंड करेगा। लेकिन वहीं अगर मान लीजिए ये बिल्कुल ऐसे होती ये चीज़ इस तरह से और यहाँ पर है अब हमारा डब्बा, तब ये एंगल अगर आप देखेंगे ये एंगल कितना कम है, ऑलमोस्ट 0 डिग्री है, तो ऐसे में जो कॉस थीटा है ये ऑलमोस्ट 1 होगा, तो इसके खिलाफ लगने वाला फ्रिक्शन अच्छा खासा होगा, तो चीज़ अब इतना आराम से नहीं सरकेगी। और अगर ये बिल्कुल ही फ्लैट होता तो मुझे ऑलमोस्ट 0 बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती, मैं बोलता एग्जैक्ट 0 है, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, उस समय जो फ्रिक्शन लगेगा वो लगेगा mg μ, तो वहाँ पे क्योंकि बीच में 1 आएगा। अब ये म्यू क्या चीज़ है ये समझ लेते हैं, इसको हम बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, हिंदी में हम इसे बोलते हैं घर्षण का गुणांक। ये म्यू की वैल्यू 0 से लेकर इनफाइनाइट तक कुछ भी हो सकती है, ये हर वैल्यू एक्वायर कर सकता है। ये म्यू जितना ज़्यादा होगा ऑब्जेक्ट उतना ही ज़्यादा रफ होगा, उसके ऊपर घर्षण उतना ही ज़्यादा होगा, लेकिन अगर ये म्यू कम होगा तो ऑब्जेक्ट उतना ही चिकना उतना स्लिपरी होगा, तो वो उतना ही ज़्यादा स्मूथ होगा। जब हम कहते हैं कि कोई सरफेस ऐसा है जिसके ऊपर फ्रिक्शन नहीं है तो इसका हम मतलब हम ये कह रहे हैं कि वहाँ पर म्यू की वैल्यू 0 है, तो घर्षण का गुणांक वहाँ पर 0 है। एक्चुअल में म्यू की वैल्यू डिपेंड करती है मटेरियल्स पे, कि जो भी आपने मटेरियल दो ऑब्जेक्ट्स आपने में लिए और उन दोनों को एक दूसरे पर घिसाया तो उनके बीच में म्यू कितना बनेगा, उनके परस्पर ये घर्षण का गुणांक बनेगा कितना, वो उस पूरे मटेरियल के पेयर के ऊपर डिपेंड करता है, कि आपने लकड़ी को लकड़ी पे घिसाया तो अलग म्यू होगा, लकड़ी को पत्थर पे एक अलग म्यू, म्यू को लिखिए पत्थर को मान लीजिए आपने कांच पे स्टील पे, तो हर अलग अलग पेयर ऑफ ऑब्जेक्ट्स के लिए ये म्यू की वैल्यू डिफरेंट होती चली जाएगी। मोर ओवर ये म्यू इम्प्योरिटीज़ पे भी डिपेंड करता है, जैसे मान लीजिए आपने स्टील ले लिया तो स्टील का कांच के साथ कितना म्यू है मैं वो मेजर करना चाहता हूँ, लेकिन मैंने उसको अपने हाथों से पकड़ लिया बिना ग्लव्स वगैरह पहने तो मेरे हाथों के ऊपर जो पसीना होगा वो स्टील के ग्लास के ऊपर आ जाएगा, उससे म्यू के ऊपर फ़र्क पड़ेगा, वो म्यू को चेंज कर देता है, तो एग्जैक्ट म्यू मेजर करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। ये म्यू की वैल्यू निकालते कैसे हैं, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन उसका तरीका बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए फिर से वही ढलान है और यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है, यस ये पूरा का पूरा ट्राइंगल अब लेने की ज़रूरत नहीं, एग्जाम्पल चेंज कर देते हैं। जैसे मान लीजिए ये है ग्राउंड सरफेस और ये है हमारे पास ढलान, तो ऐसे में मान लीजिए ये एंगल है थीटा और यहाँ पर ये है डब्बा जो नीचे सरकने की कोशिश करेगा, तो अब इसके खिलाफ लगेगा फ्रिक्शन जो इसको फिसलने से बचा लेगा। अब मैं इस एंगल को धीरे धीरे बढ़ाता रहूँ, मान लीजिए यहाँ से फ्लेक्सिबल है इस पॉइंट पे पिवट है, तो जैसे जैसे मैं इसको पकड़ के यहाँ से ऐसे ऊपर उठाऊँगा इस स्लोप को, तो वैसे वैसे थीटा बढ़ेगा, तो एक पॉइंट आएगा जब ये फ्रिक्शन इसको नहीं बचा पाएगा और ये फिसल जाएगा, तो एग्जैक्ट वो एंगल थीटा की वो एग्जैक्ट वैल्यू जहाँ पर ये डब्बा फिसलना शुरू हो जाता है, व्हेन बॉक्स इज एट द वर्ज ऑफ स्लाइडिंग, जहाँ पर वो फिसलने का बिल्कुल शुरुआत होने वाली है, एग्जैक्ट उस थीटा की वैल्यू को मेजर कर लो, उस थीटा का जो टेंजेंट लेंगे टेंजेंट थीटा वही म्यू की वैल्यू होगी, सो म्यू इज़ द टेंजेंट थीटा, और उस थीटा को फिर हम कहेंगे द एंगल ऑफ रिपोज। तो अब हम आगे जा चुके हैं थोड़ा सा, एक तो इक्वेशन हमने समझ ली कि द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू एम जी कॉस थीटा, जहाँ से हमारे कंक्लूजन ये थे कि फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन मास, ऑब्जेक्ट के वजन पे डिपेंड करता है, हल्का होगा तो फ्रिक्शन कम, भारी होगा तो फ्रिक्शन ज़्यादा, एंड द फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन ग्रेविटी, ये गुरुत्वाकर्षण पर भी निर्भर करता है, ग्रेविटी ज़्यादा तो फ्रिक्शन ज़्यादा। तीसरा म्यू
फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन पेयर ऑफ मटेरियल्स, जो भी आपने चीज़ यूज़ की है उसके जोड़े पर निर्भर करेगा। नंबर चार, फ्रिक्शन वेरीज विद स्लोप, आप ये स्लोप कम ज़्यादा करेंगे, थीटा की वैल्यू कम ज़्यादा कर देंगे तो फ्रिक्शन की वैल्यू भी चेंज होती रहेगी। नंबर पाँच, फ्रिक्शन डज नॉट ऑलवेज अपोज मोशन, ये मोशन को हमेशा रोकता नहीं है, कभी कभी मोशन को चलाता भी है। इसका मैं एग्जांपल दे देता हूँ कि फ्रिक्शन चलाने में कब हेल्प करता है। जैसे मान लो ये ग्राउंड है, ये किसी बच्चे की साइकिल है, ओके, तो ये उसके पैडल, ये उसके हैंडल, और ये वो बच्चा है, ये अपनी साइकिल चलाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आपने यहाँ से पीछे से आके इसके कैरियर को पकड़ के साइकिल को थोड़ा सा उठा रखा है, तो ये साइकिल नीचे ज़मीन पर कांटेक्ट में नहीं है, तो बच्चा पैडल घुमाता रहेगा, साइकिल के टायर घूमते रहेंगे, लेकिन ये साइकिल आगे नहीं बढ़ पाएगी। रीज़न ये है कि ये टायर यहाँ कांटेक्ट में नहीं है, आपने उसको उठा रखा है, और ये शातिर स्माइल, तो आपने इसको उठा रखा है तो फ्रिक्शन नहीं मिल रहा है, फ्रिक्शन मिल रहा है ज़ीरो, तो ऐसे में कोई फोर्स नहीं है, तो कोई एक्सलरेशन नहीं है, तो ऐसे में बच्चे की साइकिल आगे चल नहीं पाएगी। और ये बच्चा चिल्ला रहा है, अंकल अंकल छोड़ दो, साइकिल छोड़ दो। जैसे ही आपने साइकिल को छोड़ा, ये नीचे कॉन्टैक्ट में होगा, तुरंत फोर्स लगेगा, फ्रिक्शन से एक्शन रिएक्शन मिलेगा और फिर साइकिल चल पड़ेगी। तो फ्रिक्शन यहाँ चलने में मदद कर रहा है। ऐसे ही मान लो कि कोई गाड़ी है और वो गाड़ी कीचड़ में फंस गई है, तो यहाँ पे कीचड़ है, यहाँ भी कीचड़ है, मान लीजिए यहाँ चारों तरफ कीचड़ ही कीचड़ है, तो ऐसे में कोई फ्रिक्शन नहीं है तो गाड़ी आगे सरक नहीं पाएगी, फ्रिक्शन होगा तो गाड़ी आगे चलेगी। तो फ्रिक्शन चलने में भी हेल्प करता है, इट डजेंट ऑलवेज अपोज मोशन, ये हमेशा ही मोशन को अपोज नहीं करेगा। फिर एक और ख़ास बात, इस पूरे सीन में पॉइंट नंबर सिक्स जो हमने देखा था, फ्रिक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन एरिया, यह क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है। इसका मतलब ये है कि ये कोई डब्बा है, मान लीजिए इसको और थोड़ा ज़्यादा फ्लैट बना देता हूँ मैं, तो लेट्स से ये है एक डब्बा, कोई ईंट की पतली सी स्लाइड, और इसको आपने ढलान के ऊपर छोड़ दिया, तो ये है हमारा प्लैंक, प्लैंक मतलब वुडन वो स्लोप ढलान, और ये हमारा ग्राउंड, तो आपने यहाँ एंगल बना रखा थीटा, तो आपने जैसे जैसे इसको उठाया ऊपर, एक पर्टिकुलर एंगल ऐसा आया जिसके बाद ये फिसलना शुरू हो गया। अब मान लीजिए हम इसका एंगल चेंज कर देते हैं, मतलब इसका एरिया चेंज कर देते हैं, अभी तो ग्राउंड के साथ इसका जो कॉन्टैक्ट में एरिया है वो इतना सारा एरिया कॉन्टैक्ट में है, इसको A1 बोल देता हूँ मैं। बाद में आपने इस डब्बे को टेढ़ा करके रख दिया, तो मान लीजिए थोड़ी देर के बाद आपने इसको रख दिया कुछ इस तरह से, ऐसे करके, तो और वही ढलान के ऊपर सेम, तो ये मान लीजिए ढलान है, तो ये प्लैंक, और फिर से स्टार्टिंग से ये थीटा बढ़ाना शुरू कर दिया, तो अब भी वो फिसल के किसी ना किसी एंगल पे जाएगा, जिस एंगल पर वो यहाँ फिसलेगा उसी एंगल पर वो यहाँ फिसलेगा। इसका मतलब ये एंगल अगर दोनों में सेम है तो इसका मतलब इसके खिलाफ लगने वाला फ्रिक्शन दोनों ही कंडीशंस में सेम था, जबकि अब यहाँ पर ये जो एरिया है ये एरिया इस बार काफ़ी कम है, लेकिन ये एरिया कम या ज़्यादा करने से उसका स्लोप का एंगल चेंज नहीं होता, फ्रिक्शन की वैल्यू चेंज नहीं होती। तो याद रखना, फ्रिक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन एरिया, क्षेत्रफल पर घर्षण निर्भर नहीं करता है। अब आते हैं इस एंगल ऑफ रिपोज पे। एंगल ऑफ रिपोज ऐसे है, जैसे मान लीजिए ये आपका हाथ है और आप अपने हाथ में अच्छा खासा रेत भर के लाए थे, और यहाँ से आप रेत गिराए जा रहे हो, तो आपने देखा कि ये रेत जब ज़मीन पे गिरा है तो उसके ऐसे उसने ढेर सा बना दिया इस तरह से, और एक पर्टिकुलर एंगल पे ही बनेगा। आप रेत की मात्रा बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ, ये रेत इतना सारा हो जाएगा, लेकिन वो एंगल चेंज नहीं होगा, क्योंकि एक मैक्सिमम एंगल है। अगर ये एंगल इसका ऐसे हो गया तो इतने बड़े एंगल को ये रेत के जो कण है ये सह नहीं पाते और फिसल के नीचे आ जाते हैं, और फिर वो हाइट उसकी कम हो जाती है और इसकी विड्थ चारों तरफ बढ़ जाती है और एंगल वापस उसी में रिस्टोर हो जाता है। तो वो मैक्सिमम एंगल जहाँ तक कोई चीज़ अपने आप को फिसलने से बचा सकती है, जहाँ तक वो रेजिस्ट कर सकती है अपना फिसलना, उस एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोज, द मैक्सिमम एंगल अप टू विच द ऑब्जेक्ट कैन रेजिस्ट इट्स मोशन ड्यू टू फ्रिक्शन। तो
ठीक है, तो ये एंगल ऑफ रिपोज हो गया। इसी में इसी तरह की एक डेफिनेशन और आती है, द एंगल ऑफ फ्रिक्शन, घर्षण का कोण। तो एक्चुअली एंगल ऑफ फ्रिक्शन की डेफिनेशन थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन आप इतना याद रख लो कि न्यूमेरिकली एंगल ऑफ रिपोज और एंगल ऑफ फ्रिक्शन दोनों की वैल्यू सेम होती है, और दोनों में ही एंगल ऑफ रिपोज या एंगल ऑफ फ्रिक्शन आपने दोनों में से जो भी निकाल दिया उसका टेंजेंट ले लो, वो आपको म्यू की वैल्यू दे देगा। अब आते हैं टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन पे। तो आप एक छोटा सा ग्राफ बना लेता हूँ मैं साथ साथ। मान लीजिए वाई एक्सिस पर है फ्रिक्शनल फोर्स, घर्षण का बल, फ्रिक्शनल फोर्स, और एक्स एक्सिस पर मैं बना रहा हूँ द फोर्स अप्लाइड। तो एक डब्बा रखा हुआ है, ये एक छोटा सा डब्बा है, और इसके ऊपर फिर अब हम फोर्स लगा रहे हैं, बाहर से आके धक्का मार रहे हैं। इस डब्बे का वजन है मान लीजिए एम, और ये सपोज फ्लैट सरफेस पे ही है, तो मैं कॉस थीटा को इन्वॉल्व नहीं कर रहा फिलहाल। तो अब आपने शुरू में इस डब्बे पर फोर्स लगाया, आपने इस पर लगाया 0 न्यूटन, तो ये नहीं सरकेगा। अभी 0 न्यूटन को आपने 10 न्यूटन कर दिया, लेकिन अब भी नहीं सरका। इसका मतलब आपने जो फोर्स लगाया है शायद उतना ही फ्रिक्शन भी लग रहा है, तब जाके टोटल 0 बना है, और इसलिए डब्बा सरक नहीं पा रहा। तो जब मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा, एक्चुअली मेरा ग्राफ कुछ कुछ इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन जाएगा। तो आपने जब फोर्स लगाया 10 न्यूटन, तो बदले में आपको फ्रिक्शन भी मिलेगा 10 न्यूटन। आपने अपना फोर्स बढ़ाकर 20 कर दिया, आपका फोर्स 20 हो गया, तो बदले में फ्रिक्शन भी 20 हो गया। इसका मतलब डब्बा अभी भी नहीं सरका। आप ऐसे ही करते जा रहे हो, 20 की बजाय आपने 30 कर दिया, 40 कर दिया, तो आपका फोर्स बढ़ता जा रहा है, बदले में जो फ्रिक्शन है उसकी भी वैल्यू बढ़ती जा रही है। देख, तो मैं यहाँ से कंक्लूजन निकाल सकता हूँ। नोट, फ्रिक्शन इज सेल्फ एडजस्टिंग। फ्रिक्शन की वैल्यू जो होती है वो अपने आप कम ज़्यादा हो जाती है। आप जितना ज़्यादा फोर्स लगाओगे फ्रिक्शन का फोर्स भी उतना ही ज़्यादा बन जाएगा, आप अगर फोर्स कम लगाओगे तो फ्रिक्शन भी कम बनेगा। मान लीजिए आपने लगा दिया यहाँ से 40 न्यूटन, और आपको पता है कि फ्रिक्शन भी 40 लग रहा है। अब आप झटके से अपना फोर्स 40 की बजाय 20 कर दो, क्योंकि आपके दिमाग में एक ट्रिक चल रही है। आप सोच रहे हो कि मेरा फोर्स अगर 20 हो गया तो इस डब्बे पर इधर से आ रहा है 20 और उधर से था वो 40, क्योंकि पहले आपने 40 लगा रखा था, फ्रिक्शन भी 40 था। आपने अपना फोर्स झटके से 40 से घटा के 20 कर दिया, और ये फ्रिक्शन 40 का 40 ही रहे, मान लीजिए वो भी झटके से आपके साथ साथ कम नहीं हुआ, तो ऐसे में नेट फोर्स कितना हो गया? 20। तो नेट फोर्स इज इक्वल टू 20 दिस डायरेक्शन, यानी आपने तो अपना फोर्स लगाना कम किया है और नेट फोर्स अपने आप बन गया, और अब डब्बा इस तरफ सरकने लगेगा। तो एक तरह से हम तो ऐसे बोल रहे हैं कि पहले तुम धक्का मारो, नहीं सरका, धक्का और ज़्यादा मारो, नहीं सरका, और ज़ोर से धक्का मारो, नहीं सरका, और फिर तुम धक्का मारना बंद कर दो और डब्बा आपकी तरफ सरक जाएगा। ऐसा तो नहीं होता, क्योंकि जैसे ही आप अपने 40 को 20 बनाते हैं तुरंत ये फ्रिक्शन भी इस 40 को 20 बना लेता है। यानी ये ना सिर्फ चढ़ते ग्राफ पे अप्लाई होगा, ये गिरते हुए ग्राफ पे भी अप्लाई होगा, कि आप 40 तक जा रहे थे, फ्रिक्शन 40 हो गया, फिर आपने झटके से इसको 20 कर दिया, गिरा लिया अपना फोर्स, तो फ्रिक्शन भी झटके से गिर के 20 हो गया। लेकिन हर वक्त फ्रिक्शनल फोर्स उतना ही होगा जितना एक्सटर्नली अप्लाइड फोर्स है। एक्सटर्नली अप्लाइड को मैं कैपिटल एफ से लिख रहा हूँ, फ्रिक्शन को मैं स्मॉल एफ से लिख रहा हूँ, ये हर वक्त सेम रहेगा अप टू सर्टेन लिमिट, लेकिन एक लिमिट तक। अब वो लिमिट क्या है? मान लीजिए ये वो पॉइंट है जहाँ तक फ्रिक्शन आपके फोर्स की बराबरी कर सकता है, लेकिन एक फोर्स ऐसा, एक पॉइंट ऐसा भी आएगा जिसके बाद आपका फोर्स हो गया मान लीजिए 50 न्यूटन, और फ्रिक्शन की अब इतनी औकात नहीं है कि वो 50 न्यूटन लगा सके, नहीं लगा सकता, क्योंकि ऐसा तो नहीं है ना कि फ्रिक्शन इसको करोड़ों न्यूटन फोर्स तक भी रोक के ही रखेगा। तो एक लिमिट आ जाती है जिसके बाद फ्रिक्शन हार जाता है, तो वो जो पॉइंट है उसे हम बोलते हैं, जैसे 40 न्यूटन का फिलहाल यहाँ पर जो वैल्यू है ये कहलाएगा लिमिटिंग फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो इसको मैं ऐसे लिखूँगा एफ, और नीचे छोटा से लिखूँगा लिम, यानी एफ लिमिटिंग फ्रिक्शन ऑफ लिमिटिंग। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन इज दैट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन अप टू विच इट कैन रेजिस्ट योर मोशन। उसके बाद अगर आपने और अगर थोड़ा सा फोर्स बढ़ा दिया तो फिर फ्रिक्शन झटके से गिर जाएगा। आपने तो फोर्स अपना कर दिया 50, लेकिन फ्रिक्शन फिर वापस कुछ ना कुछ गिर के, मान लीजिए ये हो जाएगा
जैसे 37 ऐसा कुछ। तो उसके बाद ये फ्रिक्शन गिर जाता है। अब आप अपना फोर्स चाहे कितना ही लगा लो, चीज़ सरक चुकी है, आपने फोर्स 60 70 80 90 कुछ भी दे दिया, उसके बाद ये जो फ्रिक्शन की वैल्यू आई है ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट हल्का फुल्का वेरी करती रहेगी ऐसे ग्राफ अप डाउन, लेकिन ये अप्रोक्सीमेटली फिर कॉन्स्टेंट वैल्यू लेकर चलेगा। तो अब इस ग्राफ में मैं फ्रिक्शन के तीन टाइप्स बना सकता हूँ। सबसे पहली टाइप यहाँ से लेकर यहाँ तक, जब तक वो डब्बा सरक नहीं पाया, तो ऐसा फोर्स जो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के ऊपर ही लगे जा रहा है, तो जो फ्रिक्शन ऑब्जेक्ट को सरकाने से बचा लेता है, उसका नाम है स्टैटिक फ्रिक्शन, हिंदी में स्थितिज घर्षण। दूसरा एक फोर्स ये, जब ऑब्जेक्ट सरक ही रहा है और अब उसमें जो फ्रिक्शन है वो अप्रोक्सीमेटली कांस्टेंट है, तो चीज चल ही रही है पहले से, तो इसका नाम है काइनेटिक फ्रिक्शन, हिंदी में गतिज घर्षण। तो जो रुकी हुई चीज़ को चलने से रोके वो स्टैटिक है, जो चलती हुई चीज़ को वापस रोकने की कोशिश करे वो काइनेटिक है। और ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, इसको हमने नाम दे दिया था लिमिटिंग फ्रिक्शन, एफ लिमिटिंग। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन एक्चुअली कोई अलग फ्रिक्शन की टाइप नहीं है, वो स्टैटिक फ्रिक्शन की हज़ारों वैल्यूज़ में से मैक्सिमम वैल्यू है। स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू ये 10 भी थी, ये 20 भी स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू है, वो 30 स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू है। तो एक्चुअली स्टैटिक फ्रिक्शन सेल्फ एडजस्टिंग है, तो जब मैंने यहाँ लिखा फ्रिक्शन इज सेल्फ एडजस्टिंग, उससे पहले मुझे लिखना चाहिए था स्टैटिक फ्रिक्शन इज सेल्फ एडजस्टिंग। इसकी वैल्यू हर पॉइंट पे अलग अलग हो सकती है। काइनेटिक फ्रिक्शन तो सेल्फ एडजस्टिंग है ही नहीं, वो तो ऑलमोस्ट फिर कॉन्स्टेंट ही रहेगा, आप चाहे कोई भी फोर्स लगा लो, स्टैटिक फ्रिक्शन बदलता रहता है। और मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन उस स्थितिज घर्षण की जो अधिकांश वैल्यू जो हो सकती है, दैट इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन। ठीक है, तो मैंने अब आपको ऊपर जो फॉर्मूला बताया था, एफ इज इक्वल टू म्यू एम जी कॉस थीटा, उसमें ये जो एफ मैंने फॉर्मूला बताया, ये एक्चुअली एफ लिमिटिंग का है, हमेशा ही इतना फोर्स लगेगा ये ज़रूरी नहीं है। मान लीजिए इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके मुझे पता चल जाता है कि एफ लिमिटिंग 40 न्यूटन है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि फ्रिक्शन हमेशा ही 40 न्यूटन लगता रहेगा। आपने फोर्स सिर्फ 2 न्यूटन लगाया है तो फ्रिक्शन 40 न्यूटन थोड़ी ना लग जाएगा, आपका फोर्स 2 होगा तो फ्रिक्शन फिर 2 ही रहेगा। यानी जब तक आपका फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम है, तब तक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और अप्लाइड फोर्स बराबर होंगे, लेकिन जब आपका लगाया हुआ फोर्स इस लिमिटिंग फ्रिक्शन से भी ज़्यादा हो जाए, कि लिमिटिंग था 40, आपने फोर्स लगा दिया था 50, तो ऐसे में फिर ये फ्रिक्शन जो स्टैटिक फ्रिक्शन था ये बदल कर फ्रिक्शन काइनेटिक हो जाता है, और वो अप्रोक्सीमेटली कॉन्स्टेंट है, तो म्यू एम जी कॉस थीटा। लेकिन हमने देखा कि लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू तो ज़्यादा है, काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कम है। ये तो था लिमिटिंग फ्रिक्शन, ये है काइनेटिक फ्रिक्शन। तो मैं अलग कलर से बना देता हूँ, सब कुछ मिक्स हो गया, क्योंकि ये जो वैल्यू है ये तो है लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू, ये है काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू, और दोनों का फॉर्मूला मैं बोल रहा हूँ म्यू एम जी कॉस थीटा, तो दोनों की वैल्यू डिफरेंट कैसे है? ये तो कॉस थीटा सबके लिए सेम, जी दोनों केस में सेम है, ऑब्जेक्ट का वजन सेम है, तो एक्चुअली ये म्यू डिफरेंट है, तो हम उन दोनों में म्यू से डिफरेंशिएट करते हैं। दिस इज म्यू स्टैटिक, स्टैटिक का म्यू इतना है, दिस इज म्यू काइनेटिक, तो म्यू थोड़ा बहुत डिफरेंट होता है, एंड द स्टैटिक म्यू इज स्लाइटली लार्जर देन द काइनेटिक म्यू, तभी ये थोड़ा सा कम है, तो काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू थोड़ी सी लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम है। एनीवे, तो फ्रिक्शन के जो मैंने अभी दो टाइप आपको बताए, ये दोनों तो थे ड्राई फ्रिक्शन के टाइप्स। तो अब मैं एक्चुअल में फ्रिक्शन की कैटेगरीज कर रहा हूँ। फ्रिक्शन फोर्स लगता है बेसिकली दो तरह का, एक होता है ड्राई फ्रिक्शन, एक होता है फ्लूइड फ्रिक्शन। ड्राई फ्रिक्शन आगे फिर तीन तरह का है, फ्लूइड फ्रिक्शन फिर आगे तीन तरह का है। सबसे पहले ड्राई फ्रिक्शन था स्टैटिक फ्रिक्शन, इसकी बात हम कर चुके हैं, जहाँ सूखी सूखी चीज़ों के बीच में ही फोर्स लगे, किसी भी तरह का फ्लूइड उसमें ना हो। दूसरा हम देख चुके हैं काइनेटिक फ्रिक्शन, इसकी बात हम कर चुके हैं। लिमिटिंग फ्रिक्शन यहाँ नहीं आएगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन तो स्टैटिक का ही टाइप है, तो स्टैटिक की एक जो स्पेशल टाइप है उसका नाम है लिमिटिंग फ्रिक्शन, स्पेशल वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू। ये जो तीसरा है ये है रोलिंग फ्रिक्शन, हिंदी में इसे बोलते हैं लोटनिक घर्षण। जब कोई चीज़ रोल हो रही है, जैसे मान लीजिए ये एक डब्बा है,
इसको सरकाने में मुझे लगेंगे 50 न्यूटन का फोर्स। ये अगर रुका हुआ था तो इसको शुरू करने में मुझे बहुत जोर पड़ेगा। अगर ये पहले से ही सरक रहा है तो मुझे लगेगा सिर्फ मान लीजिए अब 47 न्यूटन का फोर्स। लेकिन अगर इस डब्बे के नीचे मैं गोल गोल ऐसे लकड़ी के टुकड़े लगा के चले जाऊँ जो रोल हो सकते हैं, तो पीछे भी इसी तरह से मैं लगा के आ रहा था और इनको रोल करा के आ रहा हूँ लकड़ी के टुकड़ों पे इसको, तो ऐसे में जो मुझे फ्रिक्शन देना पड़ेगा वो और कम देना पड़ेगा, वो हो सकता है सिर्फ अब 20 न्यूटन हो। तो ये जो 50 न्यूटन चाहिए था कम से कम इसको सरकाने के लिए वो था एफ लिमिटिंग। ये जो 47 न्यूटन है सरकी हुई चीज़ को सरकाए रखने के लिए, ये है एफ काइनेटिक। और नीचे अगर मैंने टायर्स लगा दिए तो उसको सरकाना और आसान हो गया, तो ये है एफ रोलिंग। तो मैं बोल सकता हूँ लिमिटिंग फ्रिक्शन इज मोर देन द काइनेटिक, काइनेटिक इज मोर देन द रोलिंग, रोलिंग फ्रिक्शन इज मोर देन द फ्लूइड, यानी फ्लूइड फ्रिक्शन अब और भी कम होने वाला है। तो फ्लूइड फ्रिक्शन कैसे होता है? जब दो सरफेस के बीच में कुछ फ्लूइड लग जाए, जैसे मैंने बोला था कि स्टील का डब्बा पकड़ते ही मेरा पसीना हाथ से जो उस डब्बे पे ट्रांसफ़र होगा वो फ्लूइड है, वो लिक्विड है जो ट्रांसफ़र हुआ है, तो लिक्विड्स फ्रिक्शन को और गिरा देते हैं। अगर उसकी जगह बीच में गैस होती तो फ्रिक्शन और गिरता और उसके बाद आएगा ज़ीरो फ्रिक्शन, शून्य घर्षण। ये सिर्फ तब हो सकता है जब दो चीज़ें आपस में कांटेक्ट में ही ना हो, यानी उनके बीच में कुछ भी ना हो, ना सॉलिड ना लिक्विड ना गैस, ये होता है जब वैक्यूम हो। तो ऐसे में लिक्विड्स में फ्रिक्शन और भी कम होगा, गैसेस से और कम, और ज़ीरो फ्रिक्शन जब वैक्यूम हो। इसीलिए अब इस डब्बे को सरका रहा था मैं तो फ्रिक्शन कम हो गया टायर्स लगाने से, तो टायर लगाने से रोलिंग फ्रिक्शन में कन्वर्ट हो गया मेरा काइनेटिक। जो अब तक फिसल के आ रहा था सरक रहा था वो अब रोल होके आ रहा है, तो जोर कम पड़ेगा। अब लिक्विड्स में फ्रिक्शन और भी कम हो जाता है। तो इसका एग्जांपल जैसे मान लो ताले में जंग लग गया है, तो उसमें हम फिर सरसों का तेल या केरोसिन के 2-3 बूंदे टपका देते हैं, तो उससे घर्षण कम हो जाता है और चीज़ स्मूथ हो जाती है। तो लिक्विड लगा दिया बीच में, अगर उसके बीच में गैस होती तो फ्रिक्शन और कम होता। मैगलेव ट्रेन्स में यही काम होता है कि ट्रेन हवा में उड़ रही होती है और उसके और ट्रैक के बीच में 2-3 सेंटीमीटर का कुछ गैप ही होता है, तो मैगलेव ट्रेन्स में बीच में गैस है तो फ्रिक्शन और कम हो गया है, ज़ीरो फ्रिक्शन यानी वैक्यूम में होगा। अब इसमें एक और ख़ास बात याद रखें, फ्लूइड फ्रिक्शन मतलब इन दोनों का, ज़ीरो का तो काउंट करने की ज़रूरत ही नहीं, इन दोनों का, ये दोनों फ्लूइड्स होती हैं, लिक्विड भी फ्लूइड है गैस भी एक फ्लूइड है, याद रखना। कोई अगर बोले कि फ्लूइड तो सिर्फ लिक्विड होता है, ऐसा कुछ नहीं है भाई, एवरीथिंग दैट फ्लोज इज़ अ फ्लूइड, जो बह सकता है वो द्रव है, हवा भी बहती है पानी भी बहता है। तो ये जो लिक्विड फ्रिक्शन है ये एक्चुअली एरिया पे डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन एरिया। ये ड्राई फ्रिक्शन एरिया पर डिपेंड नहीं करता था, एरिया कम हो या ज़्यादा हो, फ्लूइड फ्रिक्शन एक्चुअली इस बात पे डिपेंड करता है कि कांटेक्ट में सामने कितना एरिया आ रहा है। जैसे मान लीजिए लिक्विड में लेकर देखते हैं कि ये आपने कोई प्लेट ले ली, खाना खाते हैं जिसमें, उस प्लेट को अब अगर आप साइडवेज से देखें तो साइड से मान लीजिए प्लेट कुछ कुछ ऐसी दिखती है, ठीक है, साइड से, तो एक तरह से साइड सामने से देखने पर है गोल, साइड से देखने पर है फ्लैट। अब अगर आप इसको गोल सरफेस पानी के अंदर डुबा के इसको आगे पीछे करेंगे चलाएंगे, तो इसके खिलाफ पानी का घर्षण का फोर्स बहुत ज़्यादा होगा, पानी इसके खिलाफ फोर्स लगाएगा और इसको सरकने नहीं देगा। लेकिन अगर आप इसको साइडवेज करके तब आप इसको आगे पीछे मूव करेंगे तो ये बहुत ईजीली पानी के अंदर मूव किया जा सकता है, क्योंकि अब इसका सरफेस एरिया कम हो चुका है। तो ऐसे में क्वेश्चन ऐसे पूछ लेते हैं कि जो एरोप्लेन्स हैं उनको आगे से नुकीला क्यों बनाते हैं, ताकि सरफेस कम हो डायरेक्ट कांटेक्ट में और जो हवा हो उसको चीर के आपका एरोप्लेन आगे बढ़ जाए। इसी तरह से पूछते हैं कि जो नाव होती हैं उनको आगे से नुकीला क्यों बनाते हैं, ताकि वो पानी को चीर के आगे बढ़ जाए। सिंपल सी बात है कि आप जिस चीज़ को जितना ज़्यादा आगे से पॉइंटेड बनाएंगे वो फ्रिक्शन उतना ही कम महसूस करेगा, क्योंकि फ्लूइड फ्रिक्शन एरिया पे डिपेंड करता है। तो एक ये चीज़ छोटी सी ध्यान रखना, आगे चलकर हम इस फ्लूइड फ्रिक्शन के बारे में और डिटेल में चर्चा करेंगे जब मैं आपको विस्कोसिटी पढ़ाऊंगा, हिंदी में हम उसे बोलते हैं श्यानता। तो विस्कोसिटी जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो इस फ्लूइड फ्रिक्शन के बारे में और थोड़ी डिटेल में चर्चा की जाएगी, अभी तक के लिए सिर्फ यही फ्रिक्शन के टाइप्स सफिशियंट है। फिर इसमें एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है फ्रिक्शन के डायरेक्शन किसी साइकिल के टायर्स पे। तो भाई जैसे मान लो ये ज़मीन है और ये साइकिल के टायर हैं, ओके, और ऐसे ये ज़मीन है फिर ये साइकिल के टायर हैं, मैं दो कंडीशन बना के दे रहा हूँ और ये आप हो, तो यहाँ पर है साइकिल, आपने बस धक्का मार के छोड़ दिया, आप उसके ऊपर बैठे नहीं हैं,
इसका मतलब मैं कह रहा हूँ कि इसमें पैडल नहीं चल रहे फिलहाल, नॉन पेडलिंग, पेडल्स नहीं चला रहे, और ये है व्हाइल पेडलिंग, जब आप उसके ऊपर पेडल चला रहे हैं। या इसमें ये भी हो सकता है आप बैठे हो चाहे, लेकिन आपने फिलहाल पैडल चलाने बंद कर रखे हैं, वो साइकिल सिर्फ लुढ़कती हुई जा रही है। तो विदाउट पेडलिंग ये विद पेडलिंग, तो इसमें फ्रिक्शन की डायरेक्शन कैसे होगी? जब विद पेडलिंग है तो आपकी वजह से ग्राउंड को पीछे पुश किया जा रहा है, ग्राउंड आपको आगे पुश करेगा, लेकिन जो आगे वाला टायर है उसमें फ्रिक्शन पीछे की तरफ होगा। तो ऐसे में फ्रिक्शन की डायरेक्शन पीछे वाले टायर पर होती है आगे की तरफ, आगे वाले टायर पर होती है पीछे की तरफ। मान लीजिए ये है फ्रिक्शन वन और ये है फ्रिक्शन टू, तो ऐसे में फ्रिक्शन वन इज़ मोर देन फ्रिक्शन टू, तभी साइकिल के ऊपर नेट फोर्स आगे की तरफ होगा और ये साइकिल सरकेगी। जब पेडल नहीं चला रहे हैं तो आगे और पीछे वाले दोनों के दोनों टायर्स की हालत एक जैसी होती है, और दोनों के ऊपर जो नेट फोर्स है, ये मान लीजिए फ्रिक्शन वन और फ्रिक्शन टू, दोनों पीछे की तरफ होते हैं, और ऐसे में साइकिल पर नेट फोर्स पीछे की तरफ होगा, जिसकी वजह से फिर साइकिल स्लो हो जाएगी और यहाँ पर ये साइकिल पिकअप लेगी। तो पैडल चलाना बंद कर दो, धीरे 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 साइकिल स्लो हो जाएगी। पैडल चलाना शुरू कर दो तो धीरे धीरे साइकिल पिकअप ले लेगी, क्योंकि इसमें पीछे वाले टायर के ऊपर जो फ्रिक्शन लगेगा वो आगे की तरफ लगेगा। तो एक ये चीज़ याद रखना कि फ्रंट टायर पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फ्रंट टायर में फ्रिक्शन की डायरेक्शन हमेशा बैकवर्ड ही होती है, चाहे पैडल चले या ना चले, लेकिन पीछे वाले टायर्स में फ्रिक्शन की डायरेक्शन पैडलिंग या नॉन पैडलिंग कंडीशन पे डिपेंड करती है। तो इसी के साथ हमारे फ्रिक्शन का टॉपिक ख़त्म हुआ। अब इसके बाद बात करते हैं कुछ सूडो फोर्स और कोलिशन की।